हेलो नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है टेंशन फ्री स्टडी में। दोस्तों आप लोगों को आज इस वीडियो में बिहार बोर्ड के द्वारा 10th क्लास का जो मैथमेटिक्स का एग्ज़ाम लिया गया है, मैथ सब्जेक्ट का प्रश्न पत्र जो है, कोड जो है जी लेकर आए हैं। यह जो है क्वेश्चन प्रथम पाली में पूछा गया है, तो इनका जो है आंसर की हम लाए हैं। यदि आप लोगों को इन सभी प्रश्न का डिटेल्स में विस्तार रूप से सॉल्यूशन हल चाहिए तो आप लोग वीडियो के कमेंट बॉक्स में लिख कर जरूर दें। ऐसे इससे जो है दो वीडियो विस्तार रूप से मैथ का क्वेश्चन हल करके अपलोड कर दिया है। यदि आप लोग पूर्णतः चाहते हैं तो सभी प्रश्नों का विस्तार रूप से हल आप लोगों को प्रोवाइड किया जाएगा। चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों आप लोगों को इसमें कुल प्रश्नों की संख्या देखिए 95 था, 60 ऑब्जेक्टिव और 35 सब्जेक्टिव टाइप था। और इसमें जो है 10% एक्स्ट्रा जो है अब की बार प्रश्न दिया गया था। इसमें आप परीक्षार्थियों के लिए जो निर्देश है उसे आप लोग ध्यान से अवश्य पढ़कर ही उत्तर एग्जाम में दिया करें। इससे क्या होगा, आप लोग कहीं गलती नहीं करेंगे। चलिए हम लोग बढ़ते हैं अपने प्रश्न की ओर। ये सेक्शन ए जो था आपका ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन था, सेक्शन ए खंड अ। तो आपका पहला प्रश्न है, 64 π cm² क्षेत्रफल वाले वृत्त का व्यास क्या है। देखिए यहाँ पे क्षेत्रफल दिया हुआ है, आपको व्यास निकालना है। तो पहले जो है वृत्त का क्षेत्रफल का फॉर्मूला जो होता है π r², आप जो है उसके बराबर जो है आप उसको जो है इस तरह से π r² बराबर 64 करके, 64 π दिया हुआ है तो π π दोनों ओर कैंसिल हो गया, r² जो आपका बचता है ये 64 बचता है, तो आपका r निकल जाएगा 8 8 8 64, ये स्क्वायर उस पर जाएगा तो रूट अंडर हो जाता है, तो r 8 निकल गया। तो व्यास जो होता है त्रिज्या का दुगुना होता है, तो आपका व्यास जो हो जाएगा d बराबर 8 × 16 हो जाएगा। तो ये ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। नेक्स्ट प्रश्न है, त्रिभुज DEF तथा त्रिभुज PQR में जो है D कोण जो है Q के बराबर है और R कोण जो है E के बराबर है। तो आप जो है पहले दो त्रिभुज बना लीजिए, एक त्रिभुज बना लीजिए DE और F और एक त्रिभुज बना लीजिए PQR। तो आपका जो है कोण D बराबर कोण Q, ये जो कोण है ये कोण Q के बराबर है और ये कौन जो R है E के बराबर है। तो कौन R कहाँ है, ये रहा कौन R और ये E के बराबर है। तो आपका एक बच जाता है F और एक यहाँ बच जाता है P। इसमें देखिए कौन F बराबर P आपका हो जाएगा, ऑप्शन नंबर B। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, समीकरण युग्म 2x + 3y बराबर 5 तथा 4x + 6y बराबर 15। तो इनका जो है आप लोगों को पता होगा अद्वितीय हल जो होता है वो होना चाहिए a1 / a2 ≠ b1 / b2, ये अद्वितीय हल हो जाता है। और अनंत हल जो होता है तीनों अनुपात आपस में बराबर हो तो अनंत हल होता है, जिसको कि समपाती हम लोग बोलते हैं। तो इसमें देखिए आपका a1 जो है 2 है, b1 3 और c1 5, इसके बाद a1 4, b1 6 और c1 a2 b2 c2। ये समीकरण पहला का a1 b1 c1 हो जाएगा और समीकरण दूसरा का a2 b2 और c2। तो ये देखिए पहला हो जाएगा a1 / a2 2/4, 1/2 अनुपात हो गया। दूसरा हो जाएगा 3/6, यह भी अनुपात हो गया 1/2, इसका मतलब पहला बराबर हो गया। अब देखिए c1 / c2 5/15, 1/3, ये तीसरा बराबर नहीं हो रहा है। ये हो गया a1 / a2 बराबर b1 / b2 ≠ c1 / c2। जब ऐसा स्थिति आता है तब मेरा कोई हल नहीं होता है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट आ जाता है, यदि 65 और 117 का मौसम 65m - 117 के रूप में हो तो m का मान क्या होगा। तो आप लोग जो है 65 और 117 का मौसम निकाल लीजिए, उसके बाद
इसको 65m-117 को इसके मौसम के बराबर लिख दीजिए, उसके बाद आपको m का मान निकल जाएगा। m का मान जो निकलेगा वो 2 निकलेगा। मौसम हो जाएगा 13 = 65-117। तो ये 65m है तो 117 को भेज दीजिए आप इस पार, तो हो जाएगा 130 = 65m। तो m का मान निकल जाएगा 65 × 2 = 130, m का मान निकल गया आपका 2। नेक्स्ट प्रश्न आपका जाता है 2, 10 और 20 का लॉसा और मौसा का अनुपात। तो आप लोग जो है पहले लॉसा निकाल लीजिए, उसके बाद मौसा निकाल लीजिए, उसके बाद दोनों को बटे कर दीजिए लॉसा बटे मौसा। लॉसा और मौसा का अनुपात, तो पहले लॉसा लिखेंगे तब मौसा। 2, 10 और 20 का लॉसा जो निकलेगा वो निकलेगा आपका 20, और उसके बाद ये मौसा जो निकलेगा वो निकलेगा 2। तो यहाँ भाग कटा दीजिए तो हो गया 10/1, इसका मतलब हो गया 10:1। ये ऑप्शन नंबर आपका गया बी। नेक्स्ट है किसी घनाभ की लंबाई एल, चौड़ाई बी तथा ऊंचाई एच हो तो घनाभ का आयतन। तो घनाभ का आयतन फॉर्मूला आप लोग को याद होगा एल बी एच होता है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट प्रश्न है टेन 10 डिग्री, टेन 15 डिग्री, टेन 75 डिग्री और टेन 80 डिग्री। देखिए टेन 10 और टेन 80 में संबंध है, तो टेन 10 को चेंज कीजिए टेन 90-80 और टेन 15 को चेंज कीजिए टेन 90-75। तो ये हो जाएगा कॉट 80 टेन 80, एक मान जाएगा गुना होगा तो, और कॉट 75 और टेन 75 हो जाएगा एक, ये इसका एक गुना एक हो जाएगा एक, ऑप्शन नंबर डी आपका सही है। नेक्स्ट में कौन द्विघात समीकरण नहीं है, तो आपको ये दिख रहा है ये त्रिघात है, ये तो हो नहीं सकता है, पहला ऑप्शन कैंसिल। दूसरा ऑप्शन x²-2 है, रूट अंडर एक्स है, यहाँ पे एक्स का जो पावर है ये पूर्णांक नहीं है, ये पावर जो है 1/2 में हो जाएगा, रूट अंडर एक्स है तो एक्स पावर क्या हो गया 1/2, इसीलिए जो है यह द्विघात समीकरण नहीं है। ये तीसरा जो है आप इसको जब 3x²+2 है बराबर 3-x²² कीजिएगा तो ये आपका एक जो है प्योर द्विघात समीकरण होगा, और डी ये नहीं होगा, इसलिए नहीं होगा, ये जो है एक्स जब x²² जो है इसको जब ऊपर ले जाएंगे तो ये x²-2 हो जाएगा, और यहाँ पे जो है घात जो है एक्स का ऋणात्मक नहीं होना चाहिए, इसीलिए अभी द्विघात नहीं है, तो ये ऑप्शन नंबर सी आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का है एक बेलन और एक शंकु के आधार समान है और ऊंचाई भी समान है तो उनके आयतन का अनुपात क्या होगा। देखिए यदि त्रिज्या आधार यदि समान हुआ तो त्रिज्या भी समान हो गया और ऊंचाई एच समान हो गया, तो ये देखिए π r² h फार्मूला होता है π r² h, तो ये पाए पाए दोनों का कैंसिल हो गया, पाए पाए कैंसिल और r² कैंसिल और h भी कैंसिल, बच जाता है 1/1/3। तो 1/1 हो गया बेलन का और 1/3 हो गया शंकु का, तो ये उलट जाता है तो जाता है 3/1, मतलब 3:1 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट प्रश्न है एक्स अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो इतना और इतना से समदूरस्थ है, तो यहाँ पे मध्य बिंदु का फॉर्मूला लगाइए आप लोग और आराम से पाइए, ये हो जाएगा बी, ऑप्शन नंबर बी, 2 और 0 हो जाएगा। अगला है -10, -6, -2, 2 और 34 में पदों की संख्या, ये 34 लास्ट पद दिया हुआ है, एन आपको निकालना है, तो आपको जो है ए एन का मान दिया हुआ है 34, आप 34 बराबर कर दीजिए a+n-1 × d, तो ये आपका निकल जाएगा 12 पद की संख्या इसमें होगा। बिंदु 6 और -5 का एक्स नियामक क्या है, देखिए पहले एक्स लिखते हैं तब वाई लिखते हैं, तो एक्स आपका पहले 6 हो जाएगा तो एक्स का नियामक पूछा है, तो ये ऑप्शन नंबर ए आपका हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है द्विघात बहुपद इतना के शून्य का योग क्या है, देखिए इसको पहले गुना कर लीजिए 2x²-5x-3 हो जाएगा, तो शून्य का योग का फॉर्मूला होता है -b/a, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी आपका 5/2 हो जाएगा। नेक्स्ट आपका है 1 + 2 + 3 + n तक, तो ये फॉर्मूला होता है n × n+1/2, आप इसको यदि एपी में ले जाते हैं SN बराबर जो फॉर्मूला होता है n/2 × a+l, यदि इस पर बैठाते हैं तो आपको यही फॉर्मूला मिलेगा। नेक्स्ट प्रश्न है कौन बहुपद है, वहाँ कौन द्विघात समीकरण था, यहाँ पे कौन सा बहुपद है, तो
देखिए बहुपद वही होगा जिसका पावर मतलब घात जो है एक्स का पूर्णांक होना चाहिए और ऋणात्मक मतलब धनात्मक होना चाहिए। देखिए इसमें भी पावर एक्स का जो है पूर्णांक नहीं है, इसमें भी नहीं है, ये दोनों नहीं होगा बहुपद, और ये भी नहीं होगा क्योंकि इसमें भी एक्स का पावर जो है पूर्णांक नहीं है, लेकिन इसमें देखिए एक्स पावर 2 है या एक्स पावर 1 है, ये पूर्णांक है, पावर जो है एक्स का पूर्णांक है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही है। नेक्स्ट जो है, 12 मीटर ऊंचे खंभे की जमीन पर पड़ रही छाया की लंबाई 4√3 मीटर है, सूर्य का उन्नयन कोण है, तो सूर्य का उन्नयन कोण जो है आप लोग जो है देखिए 12 मीटर ऊंचा खंभा है, तो ये हो गया 12 मीटर ऊंचा खंभा और छाया की लंबाई 4√3 है जमीन पर, छाया की लंबाई क्या है, ये है 4√3 और ये है 12, तो ये हो गया, आप लोग जो है आसानी से निकाल सकते हैं कि इसका ये कोण कितना डिग्री होगा, थीटा मान लीजिए, उसके बाद आप यदि 10 लेते हैं तो ये 12/4√3 करना होगा आपको, तो निकल जाएगा 10 60 60 डिग्री हो जाएगा, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, त्रिभुज ABC में एक समकोण त्रिभुज है ABC और कोण C 90 डिग्री है, तो cos A प्लस B का मान क्या होगा। देखिए ये हो गया एक आपका त्रिभुज ABC, ये C कोण हो गया 90 डिग्री, ये हो गया आपका, ये हो गया ए और ये हो गया बी, पूछ रहा है कॉस ए प्लस बी, तो ए और बी का मान इधर 90 डिग्री हो गया, त्रिभुज में 180 डिग्री कौन होता है, तो आपका ये ए और बी बच गया 90 डिग्री, तो कॉस 90 डिग्री का मान क्या होता है, कॉस 90 डिग्री का मान 0 होता है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिंदु यत्न और यत्न के बीच की दूरी क्या होगा, तो दूरी सूत्र लगाइए, दूरी सूत्र होता है x1 - x2 का होल स्क्वायर अब प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर और रूट अंडर होता है, पूरा पूरी रूट अंडर होता है, तो आपका 4 निकल जाएगा। नेक्स्ट आपका है, एक बेलन तटस्थों के आधार की त्रिज्याएं 3:4 में है और ऊंचाई 2:3 में है, तो बेलन का आयतन का अनुपात क्या होगा, बेलन तथा शंकु का आयतन का अनुपात, यहाँ पे शंकु मिस हो गया है प्रिंट करने में, तो बेलन तथा शंकु का अनुपात होगा, तो ये आपको जो है बेलन का क्या होता है आयतन उसका फॉर्मूला लगाइए, उसके बाद शंकु का, उसके बाद उसको कर दीजिए, तो 9:8 हो जाएगा। नेक्स्ट है, यदि 3 4 5 17 तथा एक्स का माध्य 6 हो तो एक्स का मान क्या होगा, तो ये जो है माध्य जो होता है, माध्य बराबर क्या होता है, सभी घटना का योग बटे कुल घटना, सभी घटना इसको जोड़िए तो हो जाएगा 29+x बटे हो जाएगा टोटल 5 है, तो ये हो गया, तो माध्य आपको 6 दिया हुआ है, यहाँ 6 बराबर कीजिएगा तो गुना करने गुना होगा, तो 6 5 हो जाएगा 30 बराबर हो जाएगा 29+x, तो ये x का मान निकल गया आपका 1, तो ये ऑप्शन नंबर जो है आपका ए सही है, x का मान क्या होगा 1 होगा। नेक्स्ट है कि इसमें बहुलक कौन है, मतलब इसका बहुलक क्या होगा, देखिए जो बहुल संख्या में है वही बहुलक होता है, तो 7 इसमें अधिक बार आया है, तो ये 3 3 बार आया है, इसीलिए जो है आपका 7 आंसर हो गया। नेक्स्ट है, 13 और 19 के बीच समांतर माध्य क्या है, 13 और 19 के बीच, तो 13 और 19 जोड़ के 2 से भाग दिए, तो आपका निकल गया 16 32/2 16, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, द्विघात समीकरण के मूल बराबर जो पी का मान क्या होगा, देखिए मूल उसी का बराबर होता है जिसका जो है डी बराबर जो आप लोग पढ़े होंगे b²-4ac, यदि इसका मान जो है 0 हो जाता है तो वहाँ पर मूल बराबर होता है, तो यहाँ पर +-4 आपका निकलेगा जब इसको 0 के बराबर रखेंगे, p²-16 इस तरह से p²-16 = 0, तो p=16 हो जाएगा, तो वहाँ निकल जाएगा +-4। नेक्स्ट है आपका, ए और बी अभाज्य संख्याएं हैं तो ए और बी का लॉसक क्या होगा, तो अभाज्य संख्या का लॉसक होता है आपस में गुना हो जाता है, ये 2 और 3 अभाज्य संख्या है, आपको बोलेंगे लॉसक निकालने, तो आप क्या कीजिएगा दोनों गुना कर दीजिएगा 3 दूनी 6, इसीलिए वहाँ ए और बी 2 अभाज्य संख्या है, तो ये भी हो गया। नेक्स्ट है, xy की दूरी मूल बिंदु से क्या है, तो मूल बिंदु से दूरी होता है √x²+y² मूल बिंदु से दूरी, क्योंकि मूल बिंदु 0 0 होता है, इसीलिए वहाँ पर जो है x1 - x2 0 हो जाएगा, y1 - y2 भी 0 हो जाएगा, इसीलिए अगला कौन अभाज्य संख्या है, तो अभाज्य संख्या आपको 23 जो अभाज्य संख्या है। नेक्स्ट है,
वन प्लस टेन थीटा प्लस सिक्स थीटा, वन प्लस कॉट थीटा माइनस कोसेक थीटा, यह जो है लॉन्ग प्रोसेस में ये सिद्ध होता है। ये जो आपका जब सिद्ध कीजिएगा तो यहाँ पर टू निकलेगा। और ये जो है एनसीईआरटी में क्वेश्चन भी है कि आप इतना इतना बराबर इतना आप टू जो है सिद्ध कीजिए। नेक्स्ट आपका है एक वृत्त की परिधि टू पाई से बढ़ाकर चार पाई कर दी जाती है तो क्षेत्रफल क्या होगा। देखिए वृत्त की परिधि टू पाई से चार पाई बढ़ क्षेत्रफल क्या होगा, क्षेत्रफल जो है चार गुना हो जाएगा। आप लोग इसको निकाल सकते हैं, वृत्त की परिधि दिया हुआ है कितना, टू पाई था पहले तो टू पाई आर बराबर टू पाई, तो ये टू पाई कैंसिल आर बच गया वन, और चार पाई कर दिया परिधि। एक बार जो है आपको टू पाई आर बराबर लिख रख रखना होगा चार पाई, तो टू पाई दुनी चार पाई, तो आर निकल गया दो। यहाँ पे वृत्त का क्षेत्रफल हो जाएगा पाई, और यहाँ पे जो दो निकला है आर तो यहाँ पर हो जाएगा फोर पाई। देखिए पाई से चार गुना क्षेत्रफल बढ़ा ना, तो ऑप्शन नंबर डी हो गया आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जाता है निम्न में से मूल बिंदु के नियामक कौन कौन है, मूल बिंदु के नियामक जीरो जीरो होता है, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है एक्स बराबर माइनस पाँच का आलेख कैसा होगा, तो एक्स के बराबर जो है माइनस पाँच का जो आलेख होगा आपका हो जाएगा वाई अक्ष के समांतर। देखिए ये ए हो गया एक्स अक्ष, ये हो गया ये हुआ एक्स और ये हुआ वाई, तो एक्स बराबर माइनस पाँच, तो यहाँ पर माइनस पाँच जो होगा एक्स बराबर यहाँ होगा माइनस पाँच, तो इसका जो आलेख होगा ये वाई अक्ष के समांतर होगा, ये वाई अक्ष है इसी के समांतर ये होगा, तो ये ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। नेक्स्ट प्रश्न है कि साइन नब्बे माइनस थीटा क्या होगा, साइन नब्बे माइनस थीटा कॉस थीटा। नेक्स्ट है कौन परिमेय संख्या है, तो परिमेय जो होता है पी वाई के ग्रुप में, यदि रूट तीन कट गया आपका बचा यहाँ दो, तो ये हो गया परिमेय संख्या। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का है यदि सेक थीटा इतना तो कॉट थीटा क्या होगा, सेक थीटा मतलब फॉर्मूला होता है सेक का एच बाय बी, तो आप यहाँ से पी निकाल लीजिए, पी आपका निकल जाएगा पाँच, तो यहाँ आपको पूछ रहा है कॉट थीटा तो हो जाएगा बारह बटे पाँच। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिंदु इतना इतना को मिलाने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु का नियामक क्या है, तो मध्य बिंदु सूत्र लगाइए, एक्स का हो जाता है एक्स वन प्लस एक्स टू बाई टू, और वाई हो जाता है वाई वन प्लस वाई टू बाई टू। इस तरह से आप एक्स और वाई दोनों बिंदु मध्य बिंदु निकाल दीजिए। नेक्स्ट प्रश्न आपका है किसी वृत्त पर बाह्य बिंदु से कितना स्पर्श रेखा खींच सकते हैं, तो बाह्य बिंदु से जैसे ये वृत्त है इस पर बाह्य बिंदु से मात्र एक बाह्य बिंदु ये हुआ मान लीजिए इसको पी, तो यहाँ से केवल हम दो खींच सकते हैं एक वृत्त पर, ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। नेक्स्ट है साइन 63 डिग्री बटे कॉस 27 डिग्री, इसमें जो है आप किसी एक को चेंज कीजिए या तो नीचे या तो ऊपर, साइन 63 को चेंज करेंगे साइन 90 माइनस 27, तो वहाँ साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, तो कॉस 27 बटे कॉस 27 हो जाएगा, तो ये आपका जो ऑप्शन कट जाएगा तो बचेगा एक आपका, ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। नेक्स्ट है इतना का शून्य क्या है, तो आप इसको जो शून्य के बराबर कीजिए आपको दो को मान प्राप्त होगा, वो शून्य निकलेगा माइनस तीन बटे दो और चार बटे तीन, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है समांतर श्रेणी इतना का तीसवां पद क्या होगा, तो आप जो है इसको ए का मान आपको ए 10 दिया हुआ है, डी का मान हो गया माइनस तीन, और ये तीसवां पद मतलब एन आपको दिया हुआ है 30, तो आप तीसवां पद मतलब अंतिम पद ए एन निकाल दीजिए क्या होगा, तीस माइनस 70 निकलेगा सी नंबर ऑप्शन। आपका जो है टेन थीटा दिया हुआ 8/15 कॉसेक थीटा निकालिए, टेन थीटा होता है पी बटे बी, तो यहाँ पी और बी दिया हुआ है, एच निकाल लीजिए, एच का मान कितना हो जाएगा ए हो जाएगा 13 हो जाएगा, एच का मान 13 होगा नहीं, पी और बी दिया हुआ है तो 225 64 जोड़ेंगे 289 हो जाएगा 289, तो यहाँ पे एच का मान निकल जाएगा 17 निकल जाएगा, तो यहाँ कॉसेक थीटा का फॉर्मूला होता है एच बाय पी, तो 17/8 हो जाएगा 8, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट प्रश्न है 1 से 100 तक के सभी प्राकृत संख्याओं का योग, तो आप लोग जो है 1 जोड़ 2 जोड़ 3 जोड़ डॉट 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 कौन तक करना है, करना है 100 तक, तो यहाँ आप एक को मान लीजिए ए और डी इसका मान लीजिए कितना हो जाएगा, दो में से गया एक, डी भी एक हो गया और अंतिम जो है एल कितना हो गया 100 हो गया, तो इसको आप ए बी में जो है योग वाला फार्मूला पे लगाइए और आप आंसर मिल जाएगा आपको, यह ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 50 50।
या एक फॉर्मूला आप लोग को ये भी पता है, n इंटू एन प्लस वन बाय टू होता है, ये भी योग वाला। नेक्स्ट है, दो चर एक्स वाई में रैखिक समीकरण इतना के कितने अधिकतम हल हो सकते हैं। देखिए दो चर एक्स वाई में, तो यहाँ पे अनगिनत हल हो सकता है, अनगिनत, क्योंकि ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर जीरो, इसमें एक्स और वाई का अनगिनत मान, जितना मान रखेंगे उतना पुट जाएगा, मतलब उतना संतुष्ट होगा, बड़ा से बड़ा मान भी संतुष्ट होगा, छोटा से छोटा मान भी संतुष्ट होगा, इसलिए इसका अनंत हल होता है। ये जो है दो चर वाले रैखिक समीकरण के अध्याय से लिया गया प्रश्न है। नेक्स्ट है, समांतर श्रेणी इतना का कौन सा पद 88 है, तो यहाँ पर आपको जो है ए एन दिया हुआ है, एन मतलब लास्ट पद दिया हुआ है 88, आपको इसमें एन निकालना है। नेक्स्ट है, किस पद में है, तो ये माइनस तीन माइनस पाँच, मतलब माइनस माइनस आता है किस पद में, ये देखिए हो गया चतुर्थ, यहाँ फर्स्ट में होता है प्लस प्लस, इसमें होता है माइनस प्लस, और इसमें होता है माइनस माइनस तृतीय पद में, और इसमें हो जाता है प्लस माइनस, ये आपका हो गया तृतीय पद, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट आ जाता है, टू कॉस स्क्वायर 60 डिग्री का मान क्या होता है, तो पहले कॉस 60 का मान आप लोग को पता होना चाहिए, कॉस 60 का मान होता है एक बटे दू, एक बटे दू का स्क्वायर हो जाएगा एक बटे दू, और गुना यहाँ दो गो है, तो दो दो कैंसिल, बचेगा आपका एक बटे दू, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से किस द्विघात बहुपद शून्य का योगफल 3 और माइनस 10 है, आप लोग एक फॉर्मूला जानते होंगे, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, ये हो जाता है आपका एक फॉर्मूला, इस पर आप बैठाइए, ये अल्फा प्लस बीटा का मान, योगफल जो होगा अल्फा प्लस बीटा, और गुणनफल हो गया अल्फा इंटू बीटा माइनस 10, इसमें रखिए आप, आंसर मिल जाएगा आपको, ये आपका आंसर देगा ऑप्शन नंबर सी, इस तरह का समीकरण आपको मिलेगा। नेक्स्ट जो है, कौन सी संख्या एक घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती, आप लोगों को पता है कि कोई भी घटना की प्रायिकता जो ऋणात्मक नहीं होता है, तो ये माइनस 0.5 नहीं होगा। नेक्स्ट जो है, सबसे छोटी भाज्य संख्या और सबसे छोटी अभाज्य संख्या का मोसौ, सबसे छोटी भाज्य संख्या जो होता है वो 4 होता है और अभाज्य संख्या 2 होता है, तो मोसौ जिसका निकल जाएगा ये 2 निकलेगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न आपका है, एक धातु का घन जिसकी भुजा 1 सेंटीमीटर है को खींचकर 4 mm वाला व्यास बनाया जाता है, तो तार की लंबाई है, तो देखिए 4 mm वाला व्यास बनाया गया, 100 पाई 100 और बट्टा इसमें भाग दिया जाता दे देंगे 4 पाई से, तो ये कट गया 25 बार में, बच जाएगा आपको 25/4। देखिए धातु का घन जिसकी भुजा 1 सेंटीमीटर है, तो 1 सेंटीमीटर बराबर जो होता है 100 mm होता है, 1 सेंटीमीटर बराबर 100 mm होता है, और देखिए यहाँ 4 mm का व्यास है, त्रिज्या जो जाएगा r बराबर 2 हो जाएगा, क्योंकि व्यास का आधा त्रिज्या होता है। अब जो है हम जो है इसमें भाग देंगे पाए r स्क्वायर से, तो r स्क्वायर हो जाएगा कितना, 2 × 4 अब पाए, तो यहाँ 4 से भाग दिए तो कितना हो जाएगा 25/π आपका हो गया, इतना ऑप्शन नंबर हो गया आपका बी। नेक्स्ट आपका है, 1 + tan² θ बराबर होगा, तो sec² θ हो जाए बराबर हो जाता है 1 + tan² θ, आप लोगों को पता है ये फार्मूला, sec² θ माइनस tan² θ बराबर जो होता है 1 होता है, तो ये माइनस tan² θ होता है, तो उस पर जाएगा तो प्लस, यहाँ tan² θ आएगा, इसीलिए जो है 1 + tan² θ बराबर होता है sec² θ, ऑप्शन नंबर ये आपका सही है। नेक्स्ट, यदि दो समरूप त्रिभुज की भुजाएं 3:4 है, तो उनके परिमापों का अनुपात है, तो समरूप त्रिभुज का है तो परिमाप का अनुपात भी 3:4 ही होगा, परिमाप जो होता है 4 त्रिभुज के तीनों भुजाओं का योग ही परिमाप होता है।
नेक्स्ट है कि एक समबाहु त्रिभुज एबीसी की एक भुजा 12 सेंटीमीटर ऊंचाई क्या होगी। तो समबाहु त्रिभुज है, प्रत्येक भुजा बराबर है, तो आप जो है एक समबाहु त्रिभुज बना लीजिए, उसमें एक लंब डालिए और ये आप 90 डिग्री हो जाएगा, उसके बाद ये 12 और ये 6, ये निकल जाएगा 6√3। ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। आप इसको अपना पाइथागोरस प्रमेय लगा निकाल सकते हैं। नेक्स्ट है, यदि समीकरण इतना और इतना कोई हल ना हो तो क्या होगा। तो यहाँ पर जो है के इक्वल्स नॉट इक्वल टू 10 होगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट हो जाएगा, भूमि से 100 मीटर की ऊंचाई 60 डिग्री के उन्नयन कोण पूर्ति एक पतंग की डोरी की लंबाई है। देखिए भूमि से 100 मीटर की ऊंचाई है, 100 मीटर ऊंचाई और कोण जो है 60 डिग्री है, ये 100 हो गया और ये 60 डिग्री। तो हमको पूछ रहा है, इसका पूछ रहा है ऊंचाई, ये पतंग का डोरी जो इसकी ऊंचाई पूछ रहा है। तो यहाँ संबंध के ये कर्ण और ये लंब, कर्ण लंब का संबंध किस में आता है, साइन में आता है। तो आप साइन लगा दीजिए, साइन 60 डिग्री, साइन 60 डिग्री हो जाएगा आपका, लंब बटे कर्ण होता है, लंब है 100 बटे एक्स मान लीजिए आपको निकालना है ये कर्ण, तो यहाँ आप निकल जाएगा आपका 200/√3 मीटर निकल जाएगा। नेक्स्ट है, एक 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाली वृत्त पर खींची गई 2 स्पर्शरेखाएं 60 डिग्री कोण पर झुकी है। तो प्रत्येक रेखा की लंबाई, ये एक वृत्त है, इस पर जो एक बाह्य बिंदु से खींचा गया है और ये जो कोण है ये 60 डिग्री पर झुकी है। तो यहाँ से एक लंब आप खींचिए, तो यहाँ पे जो है ये दोनों कोण इस कोण 60 डिग्री कोण को जो है 30-30 में बांटेगा और आपको जो है त्रिज्या 3 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो ये 60 डिग्री और ये 3, तो आप इसको निकाल दीजिए, ये आपका हो जाएगा लंब। यहाँ पर जो स्पर्श बिंदु पर जो है 90 डिग्री का कोण बनता है, तो आपका निकल जाएगा 3√3 आपका निकल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बावन ताश की एक गड्डी को अच्छी तरह फेंट कर उससे एक पत्ता निकाला जाता है, तो काले रंग का बादशाह होने का प्रायिकता। देखिए काले रंग का जो पत्ता होता है उसमें एक बादशाह होता है, लाल रंग का पत्ता में भी एक बादशाह होता है, टोटल बादशाह 4 होता है, चिड़िया में एक और कालापन में एक, टोटल 4 होता है। हमको पूछा है काले रंग का बादशाह होने की प्रायिकता 1/52 हो जाएगा, क्योंकि टोटल 52 ताश के पत्ते होगा, तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही है। अधिकांशतः केवल बादशाह होने की प्रायिकता तब मेरा हो जाता है 1/13, 4 बादशाह/52, लेकिन यहाँ करा है काले रंग का, तो काले रंग का बादशाह पूरे ताश में केवल 1 होता है, इसलिए आंसर जगह 1/52। नेक्स्ट है, कोसेक थीटा किसके बराबर होता है, तो 1/sin θ के बराबर होता है कोसेक थीटा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट हो जाता है आपका प्रश्न, 2 sin θ = 1, तो 3 cot²θ + 3, तो 2 sin θ है, तो आप फिर sin θ निकाल लीजिए, 1/2 हो गया sin θ, थीटा का मान यहाँ कितना हो गया, थीटा का मान यहाँ आपका निकल गया 30 डिग्री, sin 30 का मान होता है 1/2, तो यहाँ cot 30 डिग्री का मान रख दीजिए, cot 30 का मान होता है √3, √3² 3, 3 × 9 = 3 = 12, तो आपका ऑप्शन नंबर ये सही हो गया, 12 आ जाएगा। नेक्स्ट है, असंभव घटना की प्रायिकता, जो घटना घट ही नहीं सकता है उसका प्रायिकता क्या होगा, 0 होगा, और संभव घटना की प्रायिकता 1 होती है, निश्चित घटना की प्रायिकता 1 होती है। इतना के शून्य कौन से हैं, शून्य का निकालना है, इसको शून्य के बराबर करके आप एक्स का 2 मान प्राप्त कीजिएगा, निकल जाएगा। नेक्स्ट आपका है, इसका जो आंसर आप होगा इनमें से कोई नहीं होगा, शून्य जो निकालिएगा इसमें कोई मैच नहीं करेगा। नेक्स्ट है, वृत्त की सबसे बड़ी जीवा होती है, तो वृत्त की जो सबसे, ये जो मान लीजिए वृत्त है, वृत्त की बड़ी जीवा जो है केंद्र से होकर जाती है, ये वृत्त की बड़ी जीवा हुआ, ए से बी जो हुआ ये जीवा हुआ और ये वो बिंदु से पार करेगी, तो व्यास कहलाती है, जो कि यहाँ इधर आर ये आर हुआ, त्रिज्या का दुगुना होता है व्यास, तो ये हो गया ऑप्शन नंबर आपका सी। तो दोस्तों आप लोगों को ये, आप लोगों का ये अंतिम प्रश्न था, आप लोगों को वीडियो कैसी लगी वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। प्लीज़
वीडियो को लाइक करें, और यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।